जब हमें वक्त पर कीमत मिलेगा, स्टोर का मतलब है जब हमें कहीं पर किराया ज्यादा हो रहे हैं तब हम अपना माल स्टोर करें, या हमें अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं तब हम स्टोर करें। जब अच्छा रेट मिले, जब भी किसी भी वक्त जिस भी वक्त हमारे ग्रोवर को अच्छा रेट मिले उसको उस वक्त फौरन भेजना चाहिए। कश्मीर में सेब के फल से वाबस्ता काश्तकार और खरीदार सख्त फिक्रमंद है, क्योंकि सेब की कम मांग की वजह से नुकसान का सामना है। काश्तकारों और खरीदारों ने मौजूदा सूरतहाल पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अक्टूबर नवंबर 2023 के दौरान कीमतों के मुकाबले में सेब की कीमतों में जबरदस्त कमी वाका हुई है। सेब की कीमतों में इजाफे की उम्मीद पर काश्तकारों और व्यापारियों ने सेब को कोल्ड स्टोरेज में महफूज कर लिया था। ताहम तब से लेकर आज तक मुतवक्का इजाफा पूरा नहीं हुआ, जिसके नतीजे में काफी नुकसान का खर्चा किया जा रहा है। हमने फ्रूट मंडी शोपियान के साबिक सदर मोहम्मद अशरफ खान से कीमतों में गिरावट की वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की, जिन्होंने बहुत ज्यादा पैदावार को स्टोर करने और सेब की दरा को बुनियादी वजह करा दिया। तो शोपियान का एप्पल जो पूरी दुनिया मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है, स्टोर रखा गया। आज इसकी क्या सूरत हाल है? कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाव थोड़ा कम है या ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीजन के अंदर जो मार्केट हमें मिल रहा था वो काफी अच्छा मार्केट मिल रहा था। उस वक्त हमने अपना प्रोड्यूस नहीं भेजा है, उस वजह से हमें लग रहा है कि मार्केट कम है। अगर हम पिछले साल के मुकाबले में इसका मुआवजा करेंगे तो वहां पर मार्केट कम नहीं है पिछले साल के मुकाबले। इस वक्त में वही मार्केट है जो पिछले साल मार्केट था, मगर बट कुछ लोगों ने जो महंगा खरीदा है सीजन के अंदर, या सीजन के अंदर जो रेट हमें मिल रहे थे उस वक्त हमारे ग्रोवर से अपने माल को प्रोड्यूस को नहीं भेजा है, उन्होंने ज्यादा स्टोर को तरजीह दी है, ज्यादा स्टोर किया गया है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अफवाह उस वक्त फैलाई गई है कि यहाँ पर माल ही नहीं है, 10 गुना इम्पोर्टेड ज्यादा खरीदा गया है, जिसकी वजह से इस वक्त जो इम्पोर्टेड काफी सेब जो है हिंदुस्तान के अंदर वो भी आ रहा है या जो आ चुका है, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि मार्केट खराब है। कि अभी तक अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो मार्केट पिछले साल के मुकाबले अगर हम मुआवजा करेंगे तो वो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि जो स्टोर में माल ज्यादा रखा जा रहा है उसकी वजह से रेटों में गिरावट आ रही है, जबकि आपका कहना यह है कि इम्पोर्टेड माल की खरीदो फरोख्त ज्यादा हो रही है, क्या यह कौन रीजन है? ज्यादा खरीदा गया है, दूसरे की हमारे लोगों ने भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो है उनके अंदर किया है, क्योंकि सीजन के अंदर अच्छे रेट मतलब बढ़िया रेट मिलने के बावजूद भी हमारे ग्रोवर ने उस वक्त माल नहीं भेजा है बल्कि उन्होंने स्टोर को तरजीह दी। जब हम देख रहे हैं कि इस साल जो हमारा जो स्टोर है कम से कम 50 लाख रेट पिछले साल से ज्यादा स्टोर के अंदर रखे हुए, तो ये भी एक रीजन है कि क्या थोड़ा जो हमारा सीजन है वो स्टोर का डेट स्टार्ट हो गया, जो हम फरवरी में स्टार्ट कर रहे थे वो मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें इस वक्त लग रहा है कि जो सीजन के जब हम सीजन और आज के रेट को हम कंपेयर आपको देख सकते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि हमें इस वक्त पूरा नहीं मिल रहा है जो हमें सीजन के अंदर मिल रहा था, तो उसमें हमारी अपनी भी गलती है कि सीजन के अंदर बढ़िया रेट मिलने के बावजूद भी हम लोगों ने अपना सेब जो है मार्केट से नहीं लाया है, इनको नहीं भेजा है।